हाथ डाल दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज है होली का दिन और मैं सुबह से तो बच रही थी, लेकिन अब ये मेरा छोटा देवर आ गया है जो कि मुझे रंग लगाने, तो मैंने कहा मैं भी अपना रंग जो है ना तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे रंग लगाना। तो नहाना धोन तो मैंने सुबह ही कर लिया था, लेकिन अब ये दोपहर के टाइम पे सारे यहाँ पे होली खेल रहे हैं, तो ये भी ले दे के मुझे रंग लगाने आ गया। कह रहा भाभी तुम बहुत साफ दिख रही हो, अब तुम नहीं बचोगी। तो वहाँ से रंग घोल के आ रहा है यहाँ से, और रास्ता जहाँ से आई है वहीं से, और अभी मेरे इतना रंग इसने मुझे लगा दिया ना, इतना रंग छूट भी नहीं रहा था, पूरे मुंह पे धब्बे धब्बे बन रखे हैं अभी भी, एकदम गाढ़ा रंग घोल के मेरे मुंह पे इसने चपोत मारा, और खुद के इसने लगाने नहीं दिया रंग। बस कर कितना रंग लगा रहा है, मेरी बारी है, ठीक है अब मैं इसे रंग लगाऊंगी। रुक रुक लगा लें दे, अब मेरी बारी है। तो अपनी बारी में जनाब जी अंदर भाग गए, और अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे तो मैं अंदर नहीं जा पाई हूँ। और आस्था नहाना धोना आस्था निकल लिया, आस्था ने सुबह से बहुत है होली खेली है, तो मैंने इसे नहला धुला दिया था और कपड़े ढंग से पहना दिए थे। तो ये बंदा मेरे पीठ पीछे आके इसने मेरे सिर पे रंग डाल दिया, और मैं अपना मुँह धो रही थी और इसने पूरा रंग डाल दिया, और आँख में भी रंग ऐसा लग रहा है चला गया है। तो इसने ना मुझे इतने गाढ़े गाढ़े रंग डाले हैं ना कि बिल्कुल छूट नहीं रहा था ये रंग बिल्कुल भी, और दो दो चार चार पुड़िया रंग की एक मग्घे में घोल के और डाल दी मेरे ऊपर, और खुद रंग लगाने नहीं दे रहा। मैंने अब इसे अच्छी तरीके से रंग लगा ही दिया, आखिरकार इसके दांतों में भी घिस दिया था कि सारे दांत भी इसके काले काले हो जाएं। तो अब यहाँ पे आस्था ने एक प्लेट में चार पांच रंग के कलर रख लिए हैं, अबीर रख लिया है। चलो बस वो रहन दो, है रहन दो। तो अब दोस्तों शाम का समय हो गया है, और सभी जितनी भी घर परिवार की औरतें हैं सबको रंग लगाने में जा रही है, क्योंकि घर में सबसे छोटी मैं हूँ, और जेठानियाँ हैं मेरी, और आ गई हूँ अम्मा के यहाँ, सास के यहाँ सबसे पहले। तो इन्हें मैं लगा दूंगी पहले पैरों में रंग, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी जिठानी जी के यहाँ। तो ऐसे मतलब लगाया जाता है शाम टाइम, अबीर गुलाल लगाया जाता है। तो अम्मा देखिए मेरे रंग लगा रही हैं, नाक पे लगाती हैं, और अच्छा लगता है अम्मा के साथ होली खेलने में। होली ना इसी तरीके से प्यार से मनाने चाहिए, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा ये बिल्कुल ना करो, प्यार से मनाओ बिल्कुल होली। और जैसे ये ना सोचें कि वो हमारे घर नहीं आ रहा तो मैं भी उनके घर नहीं जाऊंगी, तो ऐसा नहीं करें बिल्कुल भी। लड़ाई झगड़े वाले अगर उनसे लड़ाई झगड़ा है भी तब भी आप जाएं, अगर आप छोटे हैं तो आप ज़रूर जाएं और उनका आशीर्वाद लेके आएं। अब खुश भी दिखता है कि बस यही का बना लेती हूँ। हाँ दिखता है। तो ये है बड़ी जिठानी का घर, उनके यहाँ आ गई हूँ उन्हें रंग लगाने। और आपको शायद ध्यान होगा इन्हीं के साथ हम हार में गए थे और मैगी वैगी बनाई थी, तो यही है जिठानी जी, अभी तो एक ही है जिठानी जी, वैसे तो बहुत सारी जिठानियाँ जी आनी बाकी हैं लेकिन नहीं आई हैं अभी, तो इन्होंने बोला थोड़ा बैठ लो उसके बाद रंग लगा देना। तो आस्था इन्हें सबसे पहले रंग लगाने लगी, क्योंकि आस्था की बड़ी मम्मी है ये और मेरे से ज़्यादा फेवरेट है आस्था की, तो बड़ी मम्मी को तो बहुत प्यार से ये रंग लगा देती है, लेकिन खुशबू को बिल्कुल भी प्यार से रंग नहीं लगाती है। और अब खुशबू को रंग लगा रही है, और खुशबू इसकी दीदी लगती है, तो ये देखिए कैसे लड़ झगड़ के रंग लगा रही है ज़बरदस्ती। गांव का माहौल बहुत अच्छा है, सभी एक दूसरे के घर में जाके रंग लगा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं हुआ है आज के दिन वैसे तो यहाँ पे, और आगे का पता नहीं है, अभी आधी और होली बाकी थी
और उस बीच में एडिट कर रही हूँ आगे का पता नहीं लड़ाई झगड़ा क्या होना है क्या नहीं होना है। 3 बार पुलिस आ गई है, राउंड मार लिया है गांव का उसने 3 बार पुलिस ने कि कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। तो अब फाइनली भाभी को भी रंग लगा दिया, इन्होंने भी अपना नहाना धोना 2री बार कर लिया था तो इसलिए ज़्यादा इन्हें रंग नहीं लगाया कि मतलब फिर से नहाना पड़े, थोड़ा थोड़ा सा रंग लगा दिया। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लग रहा है ब्लॉग, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए जल्दी से, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे आस्था और पावनी की दोबारा से लड़ाई हो गई है, और आस्था इसे कह रही थी कि मेरे को पहले भूत बना दिया था, मैं उसका पूरा बदला लूंगी, और ये इसे मार मार के रंग लगा रही है। और मैं और इसकी बड़ी मम्मी मना कर रहे थे लेकिन फिर भी मान नहीं रही थी और रंग लगा रही थी। बहुत झगड़ा इसका होता है पावनी के साथ, बहुत झगड़ेलू है और बहुत लड़ाई करती है पावनी से, तो हमेशा चिढ़ी रहती है ये। और अब मैं आ गई हूँ अपनी छोटी वाली जेठानी के यहाँ, इनसे छोटी मैं हूँ और मेरे से बड़ी ये हैं, और जो सबसे बड़ी थी उनके यहाँ सबसे पहले मैं गई थी, तो इनकी मदर इन लॉ हैं ये, और मैंने इन्हें पहले इनके पैर छू लिए हैं, अब जेठानी जी के पैर छू ले रही हूँ। और ये इनकी प्यारी सी बेटी है, इसने भी बहुत सारा रंग लगा रखा है, दुकान पे बार बार आ जाती है हमारे टॉफ़ी ऑफ़ी लेने के लिए, और आस्था के साथ खेलती भी है बहुत ज़्यादा, तो इसे भी मैंने रंग लगा दिया। देख रही थी इसे भी रंग लगाने का मन कर रहा था कि आंटी को रंग लगाना है, और देख रही थी मेरी तरफ तो मैंने इसकी तरफ ध्यान दिया और मैंने इसे रंग लगाने दिया, तो बहुत स्लो मोशन में रंग लगा दिया है बिट्टी ने मुझे, और मैंने बिट्टी के पैर छू लिए। इसको चलो ओ मम्मी मम्मी चलो चलो उसको उसको लगा दो, उसको लगा दो मामे सलाम। तो दोस्तों अब होली खत्म हो गई, सबको रंग अबीर लगा दिया है, और आस्था की अभी होली खत्म नहीं हुई है, अभी भाग भाग के जा रही है पापा को रंग लगाने। तो आप सभी को भी हैप्पी होली ढेर सारा। तो सभी लोगों को अबीर लगा दिया है, जो हमसे बड़े हैं उनको पैर पे, और जेठानियों के साथ भी होली खेल ली है मैंने, अब बाकी है इनके साथ खेलना, और इन्होंने मेरे साथ अभी तक होली नहीं खेली, अब मैं इन्हें रंग लगाऊंगी आज। दोस्तों इन्होंने लोगों ने मेरे को अच्छे से भिड़ा दिया, मैं थोड़ा सा पेप्सी पी लें, उसके बाद मैं साड़ी वाड़ी हटा दूंगी, नाक पे लगा दिया जोकर बनाने के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज का ब्लॉग, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को खूब पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।